हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। इन द एडजॉइंट फिगर पी ओ क्यू इज लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मीन्स ओ आर किसको परपेंडिकुलर है, पी क्यू को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होगा, ये 90 होगा, ये दोनों साइड कैसी होगी, 90 हो जाएगी। फिर ओ एस इज द अनदर लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर के बीच में मीन्स उसके लाइन मीन्स उसके अंदर मीन्स एक लाइन है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, आर ओ एस इज अ हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, मीन्स क्यू ओ एस एंड पी ओ एस। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे कभी भी प्रूव करने का है ना, तो दिमाग में हमको क्या रखने का कि देखो मैं जैसे करूँगा ना प्रूव, आप ऐसे करोगे समझोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ओ आर इज ए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख देखते हैं ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू, किसका है परपेंडिकुलर, पी क्यू का है ये परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू मीन्स एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90, ये 90 हो जाएगा, और आर ओ पी ये भी 90 हो जाएगा, आर ओ पी, तो एंगल आर ओ पी ये भी हमारा 90 हो गया। ओके, तो ये बेसिक हमारा जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लिख दिया। देखो हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, तो आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको और इसकी वैल्यू कैसे भी करके फाइंड करूँगा, आप देखो, आप बोलोगे कैसे, तो देख लेते हैं। एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस कहाँ पे, एंगल क्यू ओ एस तो ये वाला एंगल है। अब ये वाला जो एंगल, इसके अंदर कौन से एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो हम लिख देते हैं कि आर ओ क्यू, आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर ओ क्यू आर ओ एस, तो ये एंगल और ये दोनों का टोटल करें तो क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या फाइंड करेंगे, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू पी ओ एस, ये कैसे मिलेगा हमको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आर ओ पी माइनस आर ओ एस, मीन्स फुल में से इतना माइनस करेंगे तो इतना मिल जाएगा, फुल में से इतना माइनस कर देंगे तो हमको ये मिलने वाला है, तो फुल मीन्स कितना है, आर ओ पी एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस पी ओ एस। ओके, तो मैंने माइनस किया। देखो यहाँ पे क्यों ऐसा कि ये दोनों ही मैंने क्यों फाइंड किया, उसकी वजह है देखो कि क्यू ओ एस यहाँ पे चाहिए था तो हमने ये फाइंड कर दिया, पी ओ एस चाहिए था मैंने पी ओ एस फाइंड कर दिया, इसको लेबलिंग करते थे 1 and 2। ओके, हमको क्या करना है, ये फर्स्ट होना चाहिए माइनस दिस थिंग होना चाहिए। ओके, तो हमको ऐसा है सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय सब्सिट्यूटिंग टू फ्रॉम वन, मीन्स वन में से सेकंड को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, मीन्स सेकंड को किस में से सब्ट्रैक्ट करना था, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, ओ पी ओ एस था ना, हाँ बरोबर, पी ओ एस में से सेकंड वाले को, तो सॉरी क्यू ओ एस में से, क्यू ओ एस मीन्स कौन से, आर ओ क्यू बरोबर है आर ओ एस, सब्ट्रैक्टिंग इसमें से अब एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस बरोबर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल आर ओ पी, देखो ये ब्रैकेट ओपन करके दिए, साइन बायर माइनस है तो सेट प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल पी ओ एस। ओके, अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दो वैल्यू दी है, आर ओ क्यू एंड पी ओ क्यू, वो दोनों 90 है, तो मीन्स आर ओ क्यू ये वाला और पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या गया, सॉरी आर ओ क्यू और आर ओ पी, आर ओ पी मीन्स ये वाला, ये दोनों 90 है, तो ये दोनों की वैल्यू 90 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस
is equal to 90 plus angle ROS minus 90 plus angle, यहाँ पे भी ROP, ROP, यहाँ पे गलती हो गई लगती है, देखते हैं POS, POS is equal to ROP में से ये माइनस करना है, ROP में से RO, RO P में से इसको माइनस करना है, तो ROP ये रहा, उसमें से ये मींस ये क्या हो जाएगा ROS, तो ROS होगा ना, हाँ यहाँ पे देखो ROS आएगा, ओके, तो ये याद रखना है, गलती हो जाएगी नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, ROS सेकंड नंबर था ना, ROS मींस यहाँ पे चेंज करना है ROS, यस, ओके, तो ROS हो गया प्लस एंगल ROS। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ेगा यहाँ पे गलती है, उसकी वजह है देखो यहाँ पे एक ROS, यहाँ पे एक ROS, तो यहाँ पे टू टाइम ROS आना चाहिए था, इस वजह से मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे टू टाइम ROS आएगा तो क्या आगे आपको मालूम पड़ जाएगा, ओके, तो यहाँ पे टू टाइम ROS आना चाहिए, इसलिए मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे कहीं पे गलती है, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये दोनों कट हो गया। अब क्या होगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू टू टाइम एंगल ROS, ओके, टू टाइम एंगल ROS। अब क्या हो जाएगा, टू को डिवाइड कर देते हैं, तो वन हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS, ये हैंस टू, हैंस टू, ओके, तो ये देखो ये और ये दोनों सेम ही है, हमने क्या किया, जो हमको प्रूव करना था ना वो दोनों को ले लिए बस, और कुछ नहीं, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, हमको मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ये लिटिल बिट डिफरेंट मेथड है, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी ये ऐसी मेथड जो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एटलीस्ट आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप के ग्रुप में ये इसका लिंक भेज सकती हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।